तो फ्रेंड्स, अगर आपके पैन कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या फिर प्रिंट खराब हो गया है और आप एक नया पैन कार्ड ऑर्डर करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से अपने ओरिजिनल पैन कार्ड दोबारा मंगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर से कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है, देन सर्च बार पे टाइप करना है पैन कार्ड रिप्रिंट। इतना करने के बाद आपके सामने वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगे। अगर आपके पैन कार्ड NSDL से बना हुआ है तो पहला वेबसाइट www.onlineservices.nsdl.com पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पैन कार्ड UTI से बना हुआ है तो सेकेंड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। हम जो पैन कार्ड रिप्रिंट करना चाहते हैं ये NSDL से बना हुआ है तो यहाँ पहला वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे पैन कार्ड रिप्रिंट करने के लिए कितना चार्जेस आपको देना होगा ये बताया गया है, तो आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। अगर आपको पैन कार्ड नंबर याद नहीं है या कोई भी फोटोकॉपी आपके पास नहीं है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-222-990 या फिर 1800-180-1961 पे कॉल करना है। आपको जो जो डिटेल्स पूछा जाए सही से बताना है, देन आपको अपना पैन कार्ड नंबर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। देन डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में दो ऑप्शन मिलेगा, बर्थ ऑफ मंथ एंड बर्थ ऑफ ईयर। तो आपको सबसे पहले अपना बर्थ ऑफ मंथ को सिलेक्ट करना है, इसके बाद बर्थ ऑफ ईयर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर GST नंबर है तो इस बॉक्स में एंटर करेंगे, अदरवाइज इस बॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देन आई एग्री पे टिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड दिया गया है सेम टू सेम इस बॉक्स में एंटर करेंगे। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करके आप अपना कैप्चा को चेंज कर सकते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। सिंपली स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपनी OTP रिसीव करने के लिए तीन ऑप्शन दिया गया है। अगर ईमेल से OTP रिसीव करना चाहते हो तो यहाँ ईमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे। अगर मोबाइल नंबर पे OTP लेना चाहते हो तो मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अगर ईमेल या मोबाइल नंबर दोनों में OTP लेना चाहते हो तो बोथ को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर पे OTP लेना चाहता हूँ तो मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ आई एग्री बॉक्स पे टिक करेंगे। इसके बाद जेनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब आपकी पैन कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP को यहाँ पे फिलअप करना है। देन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आपको पैन कार्ड रिप्रिंट करने के लिए ₹50 की चार्जेस ऑनलाइन पे करना होगा। अगर पेटीएम गेटवे के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन को चूज करेंगे, अगर ऑनलाइन बिल डेस्क के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो सेकेंड ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं पेटीएम गेटवे के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ तो पहला ऑप्शन को चूज करेंगे। देन स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे पैन कार्ड रिसिप्ट चार्ज ₹50 दिया गया है, आपको ₹50 का पेमेंट करना है। यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करेंगे, देन पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सक्सेस दिखा रहा है, यानी कि पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। देन आपको ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, डेट और जो चार्जेस अमाउंट है आपके सामने शो कर रहा है। देन नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपना पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे। अब हमारा पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, देन आपके ओरिजिनल पैन कार्ड बाय पोस्ट 7 से 8 दिन के अंदर आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना खोया हुआ पैन कार्ड को दोबारा मंगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरा चैनल इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।